नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए संकट बन गए और राहुल गांधी के ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी इस कदर फंस गई कि अब वो बार बार यू टर्न ले रहे, और यू टर्न भी ऐसे कि उसकी जगह जगह फजीहत हो रही। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारी ऐश कर रहे हैं, बेटियां रेप का शिकार हो रही हैं, और जो तमाम निर्माण, तमाम मूर्तियां, तमाम सारी चीजें की गई वो भाजपा का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है और उसे प्रकृति सामने लेके आ रही है। जी हां, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की घड़ी। एक किस्सा बताता हूं, 2021 की बात है। राहुल गांधी को एक देश के बड़े पूंजीपति ने आग्रह किया, ऑफर किया कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और एक चार्टर्ड प्लेन हम आपको रेगुलर 2024 तक के जितने भी चुनाव हैं उसके लिए देना चाहते हैं, आप उसे रखिए, जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल कीजिए, और आप जब सरकार आएगी तो आपसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई भेजा लाभ दे दीजिएगा, लेकिन हमारे खिलाफ जबरदस्ती मत पड़िएगा। बहरहाल राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन मैंने कारपोरेट से ये सब लेना शुरू कर दिया उस दिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, और उस दिन मैं नैतिक रूप से तो 100% गिर जाऊंगा, भले ही वैसे मैं कोई भी कहानी बता, मैं बाइक से चल लूंगा, मैं कार से चल लूंगा, मैं साधारण गाड़ियों से चल लूंगा, अपने मित्रों की गाड़ियों से चल लूंगा जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, लेकिन मैं कारपोरेट्स से नहीं चलूंगा। और उसका नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी ने इस देश को पैदल पैदल पूरा नाप दिया, चाहे दक्षिण से उत्तर हो, चाहे पूरब से पश्चिम, सब उन्होंने नाप दिया। और इतना नापने के बाद उन्होंने किसी से कुछ लिया नहीं, देने की जहां जहां बारी आई, जहां जो दे सकते थे वो देने की कोशिश की। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से घबराई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार यह होता है कि 44 लोगों के नाम की, प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करती है भाजपा और फिर कुछ ही घंटे बाद उसे वापस ले लेती है। इस हालत में आ गई है, इतनी डर गई है, उन 44 में से 29 नाम घोषित करती है दोबारा, यानी पूरे फिर भी घोषित करने की हिम्मत नहीं पड़ रहा है। इस तरह से बैकफुट में आने का क्रम चल गया, क्योंकि राहुल गांधी जो जम्मू कश्मीर की विजिट पे सिर्फ 2 दिन के लिए गए और पूरे 2 दिन भी नहीं, तो उतने में ही भाजपा हिल गई, और भाजपा का हिलना, मोदी का हिलना सबको दिखाई दे। बहरहाल जब वो हिलते हैं तो क्या करते हैं, याद कर लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि लिटरल एंट्री जो आप बार बार कर रहे हैं और इसके जरिए जिस तरीके से आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के हक मार रहे हैं और उनके साथ जिस तरह से अन्याय कर रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी है पूरी तरीके से एकदम से यू टर्न पे आ गई और इतनी हल्काई कि तुरंत मोदी के ऑफिस से उनके मंत्री जितेंद्र सिंह आर्डर जारी करते हैं कि नहीं, ये वापस लीजिए, अब हम दोबारा कराएंगे, पूरी व्यवस्था से कराएंगे। तब उन्हें संविधान याद आता है, जब राहुल गांधी संविधान बचाओ, संविधान सम्मान सम्मेलन करते हैं और बताते हैं कैसे संविधान को तोड़ने, मरोड़ने और
उसको छीनने की कोशिश हो रही, बदलने की कोशिश हो रही, तब नरेंद्र मोदी उस संविधान को माथे पर लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया जाता है उसमें बदलाव का, वो वापस लेना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है ब्रॉडकास्टिंग का बिल जिसमें अल्टरनेट मीडिया को रोकने का काम किया गया था। और इसी तरीके से तमाम तरह के फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं, बार बार लेने पड़ रहे हैं। तो इस हालत में भाजपा आ गई। बहरा ये तो आ गई, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मूल चरित्र से बदल गई है? क्योंकि उसने जम्मू कश्मीर में तो कुछ मुस्लिम्स को भी टिकट दी। हाँ, वो वहां टिकट देती है जहां देखती है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। उसने केरल में भी एक मुस्लिम को दिया था टिकट, हालांकि मुसलमान जानते हैं कि भाजपा के खाने के दांत दूसरे हैं, दिखाने के दूसरे हैं, और इसलिए उनका मुस्लिम प्रेम सिर्फ दिखावा है, और वो पूरे देश ने देखा है, तो वह स्थिति होती। तो राहुल गांधी जब उन चीजों को डिकोड करते हैं तो स्थिति यह होती है कि जम्मू कश्मीर में वो कुछ मुस्लिम्स को भी टिकट देते हैं। तो यह तो इनकी स्थिति, तो ये इनका पलटने का क्रम जारी है, और इसके लिए मजबूर कर दिया है राहुल गांधी। अब आइए, तो क्या सही में इनका कैरेक्टर बदल गया है? जब हम इसकी बात करते हैं तो इनका कैरेक्टर देखिए। आदित्यनाथ कल कहता है आगरा में कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश में देख रहे हो, बिल्कुल। वो इस बात को इसलिए कह रहा है क्योंकि जब जब मुस्लिम कौम बटी है तब तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, और जब जब दलित कौम को तोड़ा गया है, बांटा गया है, तब तब उसके हक, उस पर अत्याचार का काम बीजेपी ने ही किया है, उन्हीं के लोगों ने, उनकी सहयोगी दलों ने किया है। हम देख रहे हैं किस तरह से मायावती और चंद्रशेखर आजाद, वो आजाद नहीं जो देश के लिए शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आजाद जो सांसद बना, ये दलितों के वोट बांटने का काम कर रहे हैं जिससे इंडिया अलायंस को ये वोट न जाए, क्योंकि आज इंडिया अलायंस ही उनके हक के लिए लड़ रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने आगरा में ही क्यों कहा? क्योंकि आगरा दलितों की राजधानी के तौर पे देखी जाती थी। आज हालत ये हो गई है, वहां दलितों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, और जब यह स्थिति हो तो आप सोच सकते हैं उस पूरी बेल्ट में जिस तरीके से दलित है उनको जिस तरह से बांट दिया गया है, उसका नतीजा है कुछ बसपा में चले गए, कुछ भाजपा में चले गए, तो उसका नतीजा ये हुआ, ना तो बसपा उनके संरक्षण के लिए उनके लिए बोल रही है और ना भाजपा बोल रही है। उदाहरण देख लीजिए, दलित ही थी, हाथरस की वह बेटी उसी क्षेत्र की थी, और उसके साथ गैंग रेप होता है तो आप बताइए मुझे, क्या मायावती आई थी आज तक? गई नहीं गई। भाजपा का कोई नेता आया और उसके घर तक गया? नहीं गया। कौन गया? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। जब अभी वहां पर तमाम वह लोग जो उस बाबा के चक्कर में मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, तब कौन गया? राहुल गांधी। इसके पहले जहां जहां अत्याचार हुआ है दलितों पे, कहां कौन गया? राहुल गांधी। तो कांग्रेस से जब बांट करके इधर लाए तो उनके हक खत्म किए गए। इसी तरह मुसलमानों के साथ हुआ है। मुसलमान जब बटा तमाम जगह, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो भी मरने लगा, आज भी हो रहा है। आप देखिए, फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता भी थे, वहां नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, उन्हीं के घर का जो उनका मॉल टाइप में या कह सकते हैं अपार्टमेंट बन रहा था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों चला दिया गया? उन्होंने
समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर लगाया था और नरेंद्र मोदी पर कड़ी टिप्पणी की। इस पर उनके खिलाफ पहले FIR दर्ज की गई थी। ठीक है, यदि आपको लगता है कि गलत है तो FIR दर्ज कीजिए। अब उनका जबरन उनके जिसका कि नक्शा भी पास था, तो कहते हैं गलत नक्शे पे बना रहे। अब आप एक चीज सोचिए, नक्शा आपने पास किया, आप कह रहे हो गलत नक्शे पे बना रहे थे, तो यह कह के उसे बुलडोज कर दिया जाता है। इसी तरीके से तमाम जगह तमाम होते हैं घटनाएं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सज्जाद अली के साथ हुआ, इसी तरीके की घटनाएं और भी होती। तो यही ये लोग करते हैं, इस तरह से नफरत फैलाते हैं। लेकिन इस नफरत की आड़ में क्या करते हैं वह समझने की जरूरत। वह इसलिए है कि आप देखिए, नफरत की आड़ में आपको फंसाकर ये दूसरे धंधे करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ में, 31 साल की थी, उसके साथ में रेप होता है या गैंग रेप होता है, अभी परफेक्ट नहीं है, रेप तो पुष्ट है। तो उसके साथ में जो ये घटना होती है, इसकी जांच CBI कर रही। अब CBI को जांच देने के बाद भी स्वाभाविक सी बात है, सारी कार्यवाही CBI के हाथ में है, वो कर रही है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे है, निर्देशन पर है, तो वहां पर भी जवाब देना है। तब होता क्या है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है और उन केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से जो नरेंद्र मोदी के अंडर में आते हैं, उनके छात्र संगठनों ने मिलकर के एक प्रोटेस्ट मार्च। जब सारी कार्रवाई चल रही विधि में, जो नियम है उसी के तहत होगी, वही हो रही है, CBI कर रही है, तो उसको कैसे डिरेल किया जाए और सारी चीजें की जाए, शोर मचाया जाए, तो आज एक प्रदर्शन के लिए हिंसक प्रदर्शन हो पाए। आप बताइए क्यों हो रहा है। IMA 10-10 दिन हड़ताल करा देता है और स्थिति ये होती है, डॉक्टर हड़ताल पे होते हैं, तमाम मरीज मर जाते हैं, तमाम की स्थिति खराब हो जाती है और बहुत कुछ बुरा होता है, किसी को कोई गौर नहीं। इस पर बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी शासित राजस्थान के जोधपुर मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ में रेप होता है, रेप नहीं गैंग रेप होता है। तो आप समझ लीजिए, 14 साल की बच्ची के साथ में गैंग रेप हो रहा है, कहां, अस्पताल के भीतर, कौन कर रहा है, करने वाला सारे लोग कौन है, क्या है वहां पर, सरकार किसकी है, तब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की। इसी तरीके से महाराष्ट्र में इसी तरीके से घटना होती है और वहां पर जो है किया जाता है, एक रेप होता है और रेप किसके साथ हो रहा है यह देखना पड़ेगा, नर्स के साथ गैंग रेप होता है रत्नागिरी, और गैंग रेप होता है, वो हॉस्पिटल से हो रही थी और उस पर बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, भाजपा के नेता के स्कूल में लड़कियों से यौन शोषण हो रहा था, उस पर चुप्पी साध लेते हैं, बिहार में गैंगरेप हो रहे हैं और घटनाएं हो रही उस पर चुप्पी साध लेते हैं, उत्तराखंड में हो रहा है उस पर चुप्पी साध लेते हैं, मध्य प्रदेश में होता है उससे चुप्पी साध, रत्नागिरी की घटना बिल्कुल कोलकाता जैसी, और कोलकाता जैसी ही घटना होती है जोधपुर में, उस पर कोई नहीं, उस पर कोई ना IMA कर रहा है, न दूसरे और संस्थान कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां ये बवाल खड़े कर, यह इनकी नीति। बहरहाल वही आरोप लगाने हैं भ्रष्टाचार के भी, सब चीज के, भले ही बिहार में 14-14 पुल गिर जाते हैं, 2 हफ्ते में गिर जाते हैं, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। खुद नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया था और नौसेना दिवस पर किया था, उसको बनाने वाले कौन थे, CM की टीम के लोग थे, PM की टीम के लोग,
और 34 फुट प्रतिमा लगाई गई थी और जाने क्या क्या बखान किया गया था। वो प्रतिमा गिरती है, टूट के बिल्कुल बिखर जाती है, खत्म हो जाती है। तब मुख्यमंत्री कहता है वहां पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी इसलिए वो टूट गया। साहब हवाएं चलने से मूर्तियां टूट के गिर जाती हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था मध्य प्रदेश में जो महाकाल लोक बनाया, वहां तमाम देवी देवताओं की जो मूर्ति लगाई गई थी वो थोड़ी सी हवा पानी चलने पे गिर के सब पूरा टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो वहां भी हमने देखा था। फिर आप देखिए, जब आप ये कहते हैं कि इतनी सी हवाओं में और इनमें हो जाना है, तो जहां सबसे तेज हवाएं चलती उस जगह समुद्र के किनारे 90 साल पहले बाल गंगाधर तिलक की 1933 में बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा लगाई गई थी, आज भी वो प्रतिमा वैसे ही लगी हुई है और कहीं नहीं हिल रही है। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के नेता होते थे, उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन शुरू किया था और पूरे महाराष्ट्र के सम्मान का की लड़ाई शुरू की थी, बड़े महत्वपूर्ण थे, आज उस पे आप बात नहीं करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में उसी किले पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था और उसका उद्घाटन करने के बाद में उनको नमन करके और कहा था वहां पर उससे भी तेज 100-100 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चल चुकी, आज तक वो नहीं हिली। तो सोचिए, वह नहीं हिलती है जो 1957 में हुई, वह नहीं हिलती है जो 1933 में हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी करते हैं तो हो जाती है। तमाम हमने एक्सप्रेस वे देखे, दूसरे और सड़क देखे, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो सवाल तो लाजमी है कि आप असल में क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपके लोग तो सेक्स रैकेट चलाने में बिजी हैं। और इसका भी आया, रामनगर एक जगह है और रामनगर में जिस तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पे सेक्स रैकेट, उत्तराखंड में जगह है रामनगर, तो वहां भाजपा नेता गिरफ्तार किया गया, सेक्स रैकेट चलाता था, ये आप खबर भी देख सकते। तो ये हिंदुस्तान अखबार में पूरी खबर इस पे है कि किस तरीके से वो करते थे। तो भाजपा के लोग सेक्स रैकेट चलाएंगे, तमाम और दूसरे करेंगे, बच्चियों से रेप करेंगे। और मोदी जी का परिवार तो आप सुनते ही हैं, तो मोदी जी का जो परिवार है उसमें सबसे बड़ी चीज है एक बलात्कारियों का परिवार है, जिसमें तमाम नाम आते हैं, इतने नाम आते हैं कि आप समा नहीं पाए। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख के लगेगा कि आखिर देश कहां जा रहा है। तो जब इतना सब कुछ जा रहा हो तो क्या इन सब घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी की इनमें से कोई भी महिला बोलेगी? नहीं। वो बोलेंगी किस चीज पे बोलेंगी? वो बोलेंगी कि जो कंगना रनौत है वो अपनी कहानी बताएंगी, हेमा मालिनी अपने ढंग से चलेंगी, दूसरे और अपने ढंग से चलेंगे। तो इस तरह के खेल, इनको किसी को ना महिला सम्मान से मतलब है, ना देश के भ्रष्टाचार से मतलब है, ना इस देश के सामाजिक ताने बाने से मतलब है, इनका मतलब सिर्फ नफरत से। और राहुल गांधी ने वही नफरत तोड़ दी, नफरत तोड़ो भारत जोड़ो। और जब उन्होंने भारत जोड़ने के लिए इस तरीके से वो किया तो उससे परेशानी हो गई, और उस परेशानी का नतीजा होता है कि शहजाद अली गिरफ्तार हो जाता है, दूसरे और लोग होते। क्यों? आरोप क्या है? कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया। तो जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक कि कैसे आप झूठे अपराधी बनाते हैं और इस आधार पर बनाते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी ही अपराधी, जबकि अपराध करने वाले बहुत होते हैं। मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वो चंडीगढ़ का सबसे अच्छा लड़कियों का स्कूल है, और उस स्कूल की बस के का ड्राइवर वहां की एक 12 साल की बच्ची के साथ में रेप करता है। मेरी बच्ची बस से जाती है, मुझे डर लगा
हमने उसको लेके बात रखी, लेकिन बात यह है उस पर किसने चर्चा की, किसने बात की, उस नाबालिग बच्ची के साथ में रेप होता है, किसी ने बात की, चर्चा की, कहीं मीडिया में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो यह दशा है, और जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि आखिर हम देश को ले कहां जा रहे। तभी राहुल गांधी कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में, श्रीनगर में कश्मीरी लड़कियों के साथ में स्पेशली बात करते हैं, उस जगह बैठ के बात करते हैं जहां कभी महात्मा गांधी ने राजा हरि सिंह से बात की थी कि आप कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाइए, पाकिस्तान का मत बनाइए, भारत के साथ रहिए। तब आप इससे समझिए, और वहां उनके साथ बात की कि आप भारत का हिस्सा हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप भारत की सोचिए, भारत के लिए कीजिए, यह बड़ी बात। तो यह विश्वास आना चाहिए।